अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सबकी कैसी गुजरी? मेरी तो जी बहुत बिजी गुजरी। और आज का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ पैकिंग का, तो आए जी मेरे साथ पैकिंग करते हैं जी। पैकिंग किस तरह से कुछ करनी है जी? मैंने मम्मी के घर जाना है और ये सब कपड़े जो हैं प्रेस किए हैं पूरे 2 दिन लगा के, ठीक है? ये कुछ वहाँ पर फंक्शंस हैं वो अटेंड करने हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर जी आगे हमने मरी जाना है, ये उसकी उस टाइप के भी कपड़े, सारे गर्म कपड़े भी थोड़े बहुत, इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन ये देख रहे हैं पूरा मेरा घर, मेरा रूम। और जी अब हम करते हैं पैकिंग। और दुआ में मुझे याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मेरा व्लॉग देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और यहाँ जी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। अभी मेकअप, ज्वेलरी, जूतियाँ वूतियाँ रहती हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने 1 घंटे के रेस्ट किया। उसके बाद मैं जागी और मेरी बेटी ने मुझे चाय बना के दी। अब मैं चाय पीऊँगी और तकरीबन 9 बजे का टाइम हो गया है और हमने सुबह 3:30 बजे निकलना है। तो उसके बाद जी बाकी पैकिंग फाइनल करूँगी और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह सफ़र के लिए जाएँगे। ट्रैवल के लिए निकलने लगे हैं और ये हमारी बिल्लियाँ कहीं किसी और के घर जा रही हैं। मैरिश जा रही हैं और दूसरी वाली। चलो जी अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? होप सब ठीक होंगे। हम जी निकल चले हैं सुबह 6:15 बजे गुजरात के लिए। इंशाल्लाह खैर खैर, अभी दुनियापुर के पेट्रोल पंप पे हैं, पेट्रोल डलवाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह सीधा गुजरात। ये जी सुबह सुबह महरिश जागी हुई है और ये महक जागी हुई है। तुझसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, आवे दिलवाना है जान। तुझसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, आवे दिलवाना है जान। जो कभी हम मिले तो समाना देगा अपना प्यार, ओ मेरे यार, ओ मेरे यार। तुझसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, जो कभी हम मिले तो ज़माना देगा अपना प्यार, ओ मेरे यार, ओ मेरे यार। और ये आ गया है जी नाश्ता। अंडा बहुत मजे का था, पर है एक वहाँ एक ही था, और दाल थी साथ और साथ थे पराठे। बहुत ज़बरदस्त नाश्ता था, मतलब 5 स्टार से भी ज़्यादा मज़े का। और यहाँ हमने तकरीबन 2 साल पहले भी नाश्ता किया था, इनका नाश्ता बहुत ज़बरदस्त हमने कर लिया है। और अब हम मोटर पे भी जा रहे हैं, मोटर पे चढ़ने लगे हैं। टाइम हो रहा है जी 8 बजे।
इंशाल्लाह खैर। यहाँ भी है जी वाटरवे, किचन के वॉशरूम्स हैं काफ़ी क्लीन क्लीन, बंदा फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छे हैं। लेते तो 50 रुपये हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा सिस्टम है इनका और बहुत ज़बरदस्त वॉशरूम्स बनाए हुए हैं। नहीं आई थिंक वो तो नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सेम ही सारे बने हुए हैं। नहीं नहीं क्या लेना है, कार नहीं लेनी, क्या ढूंढ रही हो, वो खाने पीने की चीज ले लो बस, खाने के लिए उधर से नहीं तो आए तो लेना नहीं है, अब खाने पीने की चीज ले लें बस, खाने पीने की चीज नहीं लेनी पापा, मुझे मैं क्या है, फिर क्या लेना है मेरे बेटे, आइसक्रीम लेना है, ये बात है पूरे दुपट्टे आइसक्रीम ले लो, एक ही चीज लेनी है देख लो, आइसक्रीम ले लो, कौन सी लेनी है खुद ही ले लो, ये दूसरी वाली में देखो, दूसरी वाली में भी होगी, छोड़ दो यहाँ से ले लो, इसमें तो पानी है, वहीं से लेना है आइसक्रीम, नहीं बस देना, परफ्यूम्स बोलना जरूरी होता है ना, मैं दूर ले क्यों, नींद क्यों आ रही है आपको, सारी रात सोए हुए थे आप, जिस टाइम में क्या ये असली असली है, क्या इतनी महंगी है, ले लिया आपने, वहीं से लेंगे हम, किंग से, महरिश छोड़ दो, किंग से लेंगे, चलें आइसक्रीम ले लिया, तो कभी होता ही नहीं है, हम किंग में ले दी है मेरी, लग भैया क्या
ओपिट क्या कर रहे हैं, आपने आइसक्रीम ले दी, अब यहाँ से निकलना है हमने तो बाहर। आज नहीं 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 खोल दिए तो देना। क्या आइसक्रीम फिर मामा को दोगी? आपके पास है? दूंगी। निहर रहे हैं आधा घंटा रेस्ट करके, और टाइम क्या हो गया, बस अल्लाह खैर करेगा। बस आपको समझा है जब से जिंदगी अब जिंदगी लगने लगी, जिंदगी लगने लगी। हम यहाँ फ्राइड चिक्स पे रुक गए हैं और पॉपकॉर्न्स, पीनट, कहाँ पहुंचे हैं अभी हम? यहाँ से जी हम सियालकोट मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं, टाइम हो रहा है यहाँ है 12:45। अच्छी और चला गया, और हम जो है वो सियालकोट की तरफ जा रहे हैं। कारपेटेड रोड, वाइट कलर का कारपेट डाला है, और यहाँ से हम लेंगे यहाँ से मोटरवे ही जाएगी। अभी यहाँ पर जो रोड है ना वो बड़ा इंटरनेशनल है, क्या करेंगे सर्कल सर्कल वाला सिंगल सा रोड है और बड़ा थका टूटा सा रोड, लेकिन इस तरह का एक रोड वहां तिजोरी में भी था। इससे ज्यादा डिफिकल्ट था वो, याद है जब आदिल के ऑफिस से आप साइड से निकलते थे तो फिर हम हो गए हैं लोअर पंजाब अपर पंजाब में। देखो सारा अभी आग भी नहीं जली, क्या है दुनियापुर में, क्योंकि वो कस्बा है, हर चीज तो दुनियापुर छोटी सी जगह। ये कौन सा टूट प्लाजा है, सियालकोट में आलकोट कहीं होगा कोई। वार्निंग मिली है जी, अगर आपकी पर्ची घूमगी तो आप सारे पीछे वाले टैक्स देंगे। और काला शाह काकू, काला शाह काकू से सियालकोट तक मुझे फाइन दे दो मेरे भाई। अभी चले से ज्यादा
जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। देखा सियालकोट के लोग कैसे फूल उठा के जा रहे हैं पिकनिक पे। हम ने तो काफी बोलते होंगे लोग। बेटा? हाँ जी बेटा। किसकी? किसानों की। बाहर है बेटा। बेटा फौज है अभी उसके साथ। फाइनली जी अब हम जलालपुर जट्टा में एंटर हो चुके हैं। हमारा जो नया घर बना है वो जमीनों में है, पहले शहर में था, लेकिन ज़मीनों में बहुत ज़बरदस्त वेदर भी रहता है और मज़ा भी बहुत आता है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जी हम घर कैसे गए और फिर आगे कौन कौन आया था और सबसे मिलके कितना मज़ा आया, क्योंकि मेरा भाई भी जो है वो बाहर से आया है आज सुबह ही। हम दोपहर में पहुँचे हैं और वो सुबह घर पहुँचा है। ओवरऑल सफ़र बहुत मज़े का था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और शूट करना काफ़ी मुश्किल होता है तो वीडियो पूरी देख लिया करें। थैंक यू सो मच। और ये जी रोड है जी, जो जब मैं 14 साल पहले आई थी तो इस रोड का बहुत बुरा हाल था और अब माशाल्लाह से ये बन चुकी है। ये किसी ज़माने में जो छोटा दरिया होता था, लेकिन अब ये गंदा नाला बन चुका है। ओवरऑल जी मैंने यहाँ काफ़ी अर्सा गुजारा है। अब जी हम जा रहे हैं यहाँ से फ्रूट लेंगे, कुछ चीज़ें लेंगे और उसके बाद वापस अपने घर। इसके बाद वाला व्लॉग आप ज़रूर देखें कि उसमें जो है वो मम्मी के घर जाऊँगी तो क्या होता है। थैंक यू सो मच।